ਸਾਡੀ ਕਿਰੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਿਰੇ ਤਾਕਤ ਕਿਰੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਿਰੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਬਾਦਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸ਼ਬਾਲ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜੀ ਜੀ ਵਨ ਬਾਈ ਵਨ ਦੋਸਤ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਤਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਜੀਏਗਾ ਮੁਖਤਸਰ ਸਵਾਲ ਹੋ ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜੀ ਔਰ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਕਰਦੇ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਸੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਵਾਲਾ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਆਪਸੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਨਦੀਮ ਗਿਲਾਨੀ ਮਾਰਕੀ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਆਪਨੇ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਮੇ ਕਹਾ ਕਿ ਆਪਨੇ ਆਈਆ ਮੇ 10 ਸਾਲ ਬਤੌਰ ਕਿਸੀ ਮਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾ ਕਿਸੀ ਇੱਕ ਫਰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨਹਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ सवाल आया तो मेरा भाईजान गिलानी साहब आपकी भी पोस्टें पढ़ रहा हूँ तो पहले आपको ये बात बताऊँ कि मेरा उससे कोई तल्लक नहीं था मुझे पुलिस ने भी डिस्चार्ज किया था उसके बावजूद हाँ हमारे खानदान के ऊपर एक लेबल लगाने की कोशिश की थी उस वक्त भी सियासी तौर पर हादसा जरूर हुआ था उससे कोई इनकार ही नहीं है उसकी माफ़ी भी मांगी गई है सब कुछ किया गया है दूसरा उसी के ऊपर एक सियासी रहनुमा है आजकल भी अदारे यकजहती के लिए उनकी फैमिली तशरीफ ला रही है उन्होंने तकरीरें भी की थी और बाद में देवनाई का सर्टिफिकेट भी देने गए थे जिला काउंसिल में जब पंजाब लेवल पर हमने एक कमेटी बनवाई थी चीफ मिनिस्टर थे मियाँ शहबाज शरीफ जब अदालतों से हम देवना हो गए मकबूलैन से हमने हाथ जोड़कर पांव पकड़कर उससे माफ़ी मांग ली तो मेरे भाई किस चीज़ की जरूरत पड़ी है उस इशू को उठा कर आप करेक्टर असैसिनेशन करने आए मैंने पहले भी जिक्र किया कि जितने लोगों के ख़ानदानों के हुए हैं मर्डर उनसे किसी मौके पर यह पूछना शुरू कर दें कि आपने ये क्यों किया ये कैसे हुआ है जी सर सर मेरा एक ही सवाल में दो है कि सबसे पहली बात कि आपका क्लेम है 10 के नाम पे आपका क्लेम है 10 के नाम प्रॉपर्टी का और दारपुर का मेरा नाम वहीद नजीर है मेरा एआरडी न्यूज चैनल है और 17 के नाल आपने खरीदी भी है किसी हमजा नामी शख्स के से और आप बखालो पार्टी का ये क्लेम है कि आप उसे ड्रीम सिटी में शराकत देनी चाहते हैं और वो जो आपको 10 किनार मिली है वो 10 किनार कह रही हैं कि कब से लोग ये भी कह रहे हैं कि वो आपको बतौर रिश्वत मिली थी जब आप तहसील चेयरमैन थे कि आपने कुछ नक्शे अप्रूव किए थे एक सवाल और दूसरा मेरा ये है कि आपने सहाबी बरादरी को बोला कि ये तनख्वाहदार या ये ना तो फौजी कुछ भी इस तरह के बात बोले हैं तो आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में कौन सा ऐसा नंबर वन सहाबी है जिसका दामन किसी भी किस्म की करप्शन से या तनख्वाहदारी से पाक है पहली बात यह है कि मैंने किसी सहाबी को ये नहीं कहा मैंने कहा जर खरीद साफी जर खरीद सियासतदान जर खरीद बेरोपरे ये मैंने तीनों इस्तेमाल किए तो शायद आपने सुनने में गलती की है अब आपका सवाल आ गया बतौर मुझे रिश्वत दी बात क्या खुद भाई कमेटी भी बना दी है मस्जिद भी है बतौर रिश्वत दी गई हो बतौर किसी बात पर की गई हो इस कमेटी को मुझे लहंगा कर देना चाहिए मस्जिद में कर बस इससे आगे कोई जवाब आगे आपके मुतल्लिका जो सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही थी कब्जे वाली वो तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद साबित हो गया कि आप उधर के मालिक हैं तो मेरा दूसरा सवाल जो खबर है यहाँ के प्रेस क्लब की आपने इनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी आपने उनकी भी बातें सुनी क्या इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हकाइक हैं या उन्हीं की तरह इनकी बातें पहली बार
नहीं, मैं समझता हूँ कि ये हमें सदर साहब से और जनरल सेक्रेटरी साहब से ये जवाब नहीं लेना चाहिए। मैं आया हूँ, ये हमने उनको मस्जिद में उनके शहर के लोगों के सामने पेश कर अपने आप को भी और उनको, उन्होंने अपने दामन को साफ़ करना है, हमने अपने दामन को साफ करना है। जो मेरे भाई ने सवाल किया है, मैंने अपना उधर दामन साफ करना है। अगर बतौर रिश्वत मिली है तो मेरे भाई जो रजिस्ट्रियाँ हुई, जो सब कुछ हुआ, जिसके ऊपर एंटी करप्शन पे दरख्वास्त दी, वो क्यों की? बतौर तोहफे पर तो नहीं मिली जाती। जी सर, जी सर, मैं दोबारा से करूँगा। नहीं, फिर वो सवालदार सवाल हो जाएगा ना। जी जी सर, जी हाफिज़ इमरान साहब। मेरा सवाल ये है कि आप आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया। क्या नाम आपने बताया? हाफिज़ इमरान। हाफिज़ इमरान साहब, मैंने एक सोशल मीडिया पर, वो उसकी भी कॉपी आपको मिल जाएगी, जो इन्होंने जब मैंने पहले जिक्र किया है कि मैं जब उम्रे से वापस आया तो रज़ा बड़ाई साहब ने मुझसे रब्ता किया कि इस मसले को हम हल करना चाहते हैं। तो इरफान बसी साहब का और राशिद साहब का बजरिया मेरे ऊपर पढ़ेंगे ना, वो लीड पढ़े आप, बजरिया मेरे एक मुआहदा लिखा गया है जिसके ऊपर आरिफ साहब का, रज़ा बड़ाई साहब का, इरफान साहब का साइन हुआ है। और उसके ऊपर मैंने एक बात की है बबली आपसे कि इसका जवाब आप रज़ा बड़ाई साहब से पूछें कि ये वायदा क्यों पाए तकमील तक नहीं पहुंचा। और जो मैंने दूसरी बात की कि राशिद साहब मेरे घर क्यों गए, किस सिलसिले में गए, किस मकसद के लिए गए, आज से 2.5 साल पहले, फिर किस मकसद के लिए उन्होंने मुझे अपने घर में दावत देकर बुलाया, वो कमेटी में बात करेंगे। जी सर, मेरा सवाल आपसे ये है। जी सर, तो सवाल ये है, पर्चा तो हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। जी सर, तो शामिल आपको कर रहे हैं इसकी तरह बता अब मेरे भाई, मैं वो क्या कहते हैं, सुबह से आपकी अदालत में पेश हूँ, पसीनों पसीन हूँ, मैंने जो आपको जवाब देने पे दे दिया है, इसके बाद भी अगर आप समझते हैं एग्रीमेंट में सालस मुझे कह रहे हैं, ठीक है, पर्चा दे रही है हुकूमत, सील कर रही है हुकूमत। पहला सवाल यह है कि जो ये दोनों भाई हैं, ये उस सोसाइटी में नाजायज तौर पर क्यों शामिल हुए? बड़ा सवाल। एक मुकदमा 2009 से चल रहा है, ये अपने नाम से उसकी प्रमोशन करना शुरू करते हैं, ये लोगों को कहते हैं कि ये सोसाइटी हम बना रहे हैं। क्या 18 खेवट में इन्होंने किस कानून और किस कायदे के तहत वो सोसाइटी बनाने की कोशिश की? अगर आप इनके पास कोई लीगल एक पता है, इनको के जैसे मुझे पता है कि आपका कोई लिटिगेशन चल रही है, उस लिटिगेशन में क्या आप वो जगह खरीद सकते हैं? कभी भी नहीं आप खरीद सकते, लिटिगेशन वाली जगह पर कोई चीज़ भी बता देते। तो मैं इन्हीं के बिनोई की एक मिसाल दे देता हूँ, यहाँ पर आपने मुझे याद कराया, इनके बिनोई हैं इफ्तिहार और खारी साहब, वो डेनमार्क कोपेनहेगन में रहते हैं। उनका अपने भाई चौधरी बशीर साहब के साथ भी एक मुकदमा चल रहा है, जिसमें मैं भी कभी सालस भी रहा हूँ, कभी चौधरी बशीर का हमायती रहा हूँ, मेरा दोस्त है, भाई है। वो नए मले आड़े में स्कूल की बैक साइड पे, आप सभी लोग उसी मोहल्ले से तल्लक रखते हैं, उनका घर था, हवाई घर, उसकी आज तक लिटिगेशन चल रही है गुज़श्ता 15-20 साल से। इनका बेनोई है, वो उस जगह पर कोई एक ईंट नहीं रख सका, वो कहता है कि फ्रंट मुझे मिलना चाहिए, फ्रंट मेरा हक है। कानून ये कहता है कि जितने किसी जगह पर हिस्सेदार हैं फ्रंट उनका हक है, उनको उसी तनासब से फ्रंट मिलेगा, किसी का 1/7 बनता है फ्रंट, उसको 1/7 मिलेगा। जी सर, हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये तो हमारा जो अदालती सिस्टम है,
ये उस पर उंगली उठती है, इसका मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? ये तो अदालती निज़ाम है, ये सारी बात तो अदालती निज़ाम पर है। और उसके दौरान आपको मैंने पहले भी वजाहत कर दी है कि इसमें इतने सालों से चल रहा है, हमारा राइट था ना, हमने कहीं तक कैसे सुना? जी सर जी, सैयद तनवीर नकवी साहब, सैयद तनवीर नकवी साहब सर उच्चा बोलियो जरा, पक्खे की बात ही वजह तू ना थोड़ी सर। लेकिन जो ब्रेक डोम है वो कहते हैं कि आज भी उसका मामला जो है वो हाई कोर्ट में चल रहा है। पहली बात तो जो मैंने पहले कही है कि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस है, आपका और मेरा एक चीज़ का राजीनामा हो जाए तो इसकी क्या ज़रूरत महसूस हुई है जो इन्होंने यह हरकत की है, जिसने भी की है? जो आपने बात की है हाई कोर्ट में 302 का जब मुकदमा भरी होता है तो जो जैली तौर पर इन्होंने पुलिस ने इनको भी एक मुदई बनाया था, ठीक है जी, उसका 452 करके उसका 302 से कुछ अलग है, उसके मुकदमात में वो सारे लोग बरी हो गए, तो ये एक अपील लेकर हाई कोर्ट में गए, पर इतने सालों से उनकी अपील वहाँ पर पड़ी हुई है, निकलवा लिया किसी ने रोका हुआ? जी सर, हाँ जी, 12/6 जो है मेल आपके सामने है, 2009 से उसका केस चल रहा है, उसमें कोई तमीम नहीं हो सकती, कोई कुछ नहीं हो सकता, अगर हो सकता है तो कानूनी तौर पर रोक ला दें कि ये कानून के मुताबिक बाकी पूरी खारियाँ जहाँ मर्जी बनाए, जहाँ मर्जी का करें, 18/6 का तकसीम चाहते हैं। जी सर, अंजुम वसीम नाम है, कोटला प्रेस क्लब को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मुख्तसर सा सवाल करूँगा तो ये कि ये जितना भी मसला चल रहा है क्या इसको किसी तरीके से हल करने की कोशिश की जाए, तो आपके आपके ख्याल से मतलब आपके पास कोई ऐसा सलूशन मौजूद हो बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत आपने, और आज लास्ट क्वेश्चन लूँगा, हॉट पेशेंट हूँ और इतनी देर लेना, मैं बिल्कुल दो सवाल, एक आपका लास्ट है, अख्तर वजीर, चले मुझे एक मैं भूल ना जाओ, मैं आपका भी ले लूंगा, कोई मसला नहीं, अख्तर वजीर एफएम रेडियो, मैं इनका जवाब दे रहा हूं, आपका फिर लास्ट पे होगा, ठीक है जी, बस मैं अच्छा मानो सर खान के चीज दे दो, कोई चीज खान के यार फ्रूट इज को मिल जाए, मेहरबानी करो तो रात सारी लगे रहो, चीज लाओ खाने की जल्दी, आप भी आपको शेदार जाओ जी सर, आप बॉस पता है बस कर ले लास्ट जी, नाम से अंजुम वसीम, अंजुम वसीम साहब, पहली बात यह है कि मैं ये रात की ही बात आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास ये बड़ी काबिल गौर बात है जी सब लोगों के लिए, ये आपकी अदालत में बैठे हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ा अच्छा सवाल किया मेरे भाई, क्योंकि बाकी रोल जो है किसी का पॉजिटिव है किसी का नेगेटिव है, जब आपने मुझसे पूछा तो मुझे पॉजिटिव रोल की निशानदेही, मेरे पास रात को मेरे घर पर चौधरी अली फरख मजीद साहब, सबका एडवाइज़र, चौधरी फैसल मजीद साहब, चौधरी फरख मजीद साहब के भाई, उनका ये बेटे हैं, चौधरी बशीर साहब जो गुलानी रोड पर उनकी दुकान है वो, मेजर आफ्ताब साहब के बेटे गलबन हमजा, उनका नाम है हमजा साहब, और पांचवें उनके साथ इंतहाई इस खारियाँ के बिजनेस मैन अमजद बेग साहब, ये पाँच लोग मेरे घर से शीख लाए रात को, इन्होंने कहा जी कि इस मसले को कैसे आप ख़त्म कर सकते हैं, मैंने कहा जी मैंने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये तमाम की तमाम मैंने रुदाद को सुनाई, मैंने कहा जी अगर मैं कहीं पर मुजरिम हूँ, उन्होंने कहा आप सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, मैंने कहा जी आप अपने बिहाफ पर आए हैं या किसी ने आपको भेजा है, उन्होंने कहा जी नहीं हमें करंसी वालों ने भेजा,
हमने उनसे भी बात की है इस शहर के मन के लिए, इस शहर के इस मसले के लिए। उन्होंने कहा जी आप उनसे बात करें। मैंने कहा जी फिर मेरे लिए हुक्म क्या है? उन्होंने कहा जी अगर हमने आपको फ़ोन किया तो आप सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। मैंने कहा अगर आप कहेंगे वीडियो मैसेज देंगे तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूँगा, वरना मैं अपना मौकफ जो है वो बयान करूँगा। उनका अच्छा रोल, बहुत अच्छा रोल, बड़े बाप के बेटे, बड़ा काम के लिए आप तशरीफ। बाकी आपके सामने उनको उन्होंने क्या कहा, उनको क्या इनकार किया, क्यों मुझे यहाँ पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, इसका जवाब भी वो पाँच लोग बेहतर दे सकते हैं। मैं उस पर अपनी राय कोई नहीं। साकिब बाबा नाम है और एशिया न्यूज़ नेटवर्क से दिल्ली के खारिया प्रेस क्लब का मेंबर हूँ। आप अपना जब मौका पर बयान कर रहे थे, मौका बयान करने में आपने कमेटी का जिक्र किया कि कमेटी बनाते हैं, और कमेटी की जो तरतीबात का जिक्र करते हुए आपने बहुत बड़ी बात की है, मनी लॉन्ड्रिंग का आपने जिक्र किया कि आप समझे कि एस हाउस पाकिस्तान का बहुत बड़ा इदारा है, खाली में बैठकर मनी लॉन्ड्रिंग में मुलवस है, कि ऐसे शवाहद भी मौजूद है जो मीडिया के सामने आप रखना पसंद करेंगे? क्या जो मेरी फैक्टर एसोसिएशन की है उसके कुछ शवाहद हैं? आप सबसे सवाल है दो तरफा फायरिंग नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ, मैं मेरी सुन ले, मैं एक मिनट देखा, लास्ट सवाल है, पता है मेरी बात यह है कि अगर मैंने ये सवाल उठाया कि मनी लॉन्ड्रिंग में अगर वो मेरे मोहतर नहीं मुलवस, तो वहाँ पर जो क्या नाम है सराय आलमगीर जाते हुए किसके साथ डकैती हुई थी? ठीक है, मैं उनका हक है, उनके थे सर। ये बड़ी अच्छी बात आपने 13 साल पुरानी बात अपनी भी और उनकी भी क्रॉस कर कर, ठीक है। मेरा छोटा सा मेरा मैं आज वो एयरलाइन बिजनेस पे आ गई है। मैंने एक और सवाल उठाया कि फाइनेंशियल मैटर्स पर मुझे नहीं पता मनी लॉन्ड्रिंग के फाइनेंशियल मैटर्स हैं, मुझे नहीं पता इनका लेन देन का मसला है। एक शख्सियत जो हजारों पाउंड मिलियंस अपना दावा इनसे कर रही है, वो मैंने तो भी किया है ना, अगर वो कहेंगे कि नहीं है तो हो सकता है वो शख्सियत खुद सामने आ गई, हो सकता है ना आए। जी अख्तर वजीर साहब कमेटी में, कमेटी तो बांट गई, मेरा ख्याल आप इन सवालों का नहीं है। अख्तर वजीर साहब कर ले फिर, अख्तर वजीर साहब एक बड़ा अहम सवाल है, पी आर आखिरी है, ना 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 ला लिया, चलो एक भाई यहाँ पर मेरे साथ आया तो उसने मेरे ऊपर प्रोग्राम भी दिया, वो उसका राइट था। वो जब आप मुझे बसित करें कि आप मुझे मौक़ दे, मुझे मौक़ दे, और मैं रिक्वेस्ट करूँ, वो मेरी रिक्वेस्ट पर मेरे भाई ने मुझे मिलाया, वो डेढ़ माह से एक माह से मुझसे हुक्म कर रहे थे, मैं रिक्वेस्ट नहीं करता, हुक्म कर रहे थे कि हमें मौक़ दे। मैंने उनको कहा जी मैंने मौक़ प्रेस क्लब खाने मैंने दे दिया, और जो आपने फाइलों का कहा जी जी गरीब आवाम ने अगर खरीदी है तो उनसे खरीदी है, वो उनको बताए कि हमने ये लीगल फाइलें दी हैं, इलीगल फाइलें नहीं दी हमारी सोसाइटी को। सर डिंगा से आपकी जो सियासी क्यादत है उसमें राव साजिद जहांगीर का बहुत बड़ा नाम है, वो हमें उस डेरे में मिले हैं और वो वहाँ पर मौजूद है और उनके साथ हैं, ये क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर थोड़ा सा, ठीक है। वो हमारे सियासी साथी हैं, हो सकता है बिजनेस के मामला उनके भी हों, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की मेरे घर इरफान बसी को लेकर, दो से तीन दफ़ा उनके पास मेरे को इनके घर आया साजिद राव, साजिद राव तो उसका तो हक है, वो करारदार बहुत मेहरबानी जी आप तमाम दोस्तों की, और मैं इंतहाई ममनून मशहूर हूँ जनाब चौधरी नदीम असगर कारा साहब का, इन्होंने बड़े तामल से और बड़ी गुलबारी से